अगर कोई मेजर लिगामेंट का टेयर है और अगर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो 9 महीने से साल भर तक भी लग सकता है इसमें। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं उपेंद्र कुमार। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वो दिल्ली से अपने घर उत्तराखंड के लिए जा रहे थे, इसी समय उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देश ही नहीं पूरे दुनिया भर से उनके लिए दुआएं आ रही हैं, प्रशंसक उन्हें जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कब तक सही होके मैदान पर वापस आएंगे। तो उनको क्या क्या चोटें आई हैं, कौन सी मेजर इंजरी है और कौन सी माइनर इंजरी है और वो कब तक दोबारा मैदान पे लौट आएंगे, यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर प्रतीक कुमार गुप्ता से। पहला सवाल, लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इंजरीज आई हैं अभी तक ऋषभ पंत को। देखिए, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से एक ही मेजर एक्सीडेंट था और भगवान की कृपा है कि वो उससे बच के निकल आए हैं। उसमें जो अभी चोटें हैं, जो रिपोर्ट आई है MRI ब्रेन और स्पाइन की, जो मीडिया के थ्रू ही पता चली है, उसमें तो वो क्लियर है, वो तो ठीक है। लेकिन जो चोटें जो कि आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो जोड़ की चोटें, जैसे घुटने का लिगामेंट का बात हो रही है या रिस्ट में चोट है, जो सुपरफिशियल कट हैं फेस पे और बॉडी में, उसमें कुछ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लिगामेंट इंजरीज हैं ये कई बार घातक हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, उसमें रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो वो इंजरीज हैं जो कि इसके बारे में देखना होगा। सर, लिगामेंट्स किस प्रकार के, जैसे अभी हमारे पास एक स्कैन एक्सरे है, हालांकि अभी तो MRI नहीं हो पाई है, सूजन की वजह से MRI नहीं हो पाई है, ब्रेन और शायद स्पाइन की हुई है, तो उसमें मेजर इंजरीज नहीं है। मेन इंजरीज बताया जा रहा है कि घुटने में ही मेजर इंजरी है। तो एक हमारे पास उनकी एक्सरे रिपोर्ट है, ये तो इस हिसाब से आप एक बार दिखाएं कि कैसे किस प्रकार की वो इंजरीज हो सकती है घुटने में, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें कि किस प्रकार की कौन सी चीज़ है जो मेजर ज़्यादा इफेक्टिव कर सकती है। ठीक है, तो जो एक्सरे है उसमें मूलतः हड्डी का जो चोट होती है वही दिखती है। लिगामेंट कभी कभी दिखते हैं जबकि बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं, तो इस एक्सरे से अभी बताना मुश्किल है, तो MRI का वेट करना पड़ेगा। लेकिन घुटने में या किसी भी जोड़ में दो तरह के लिगामेंट होते हैं, एक मेजर और माइनर। मेजर जिसके बिना घुटना ढंग से फंक्शन नहीं कर सकता, माइनर है कि जहाँ की उनका रोल उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली सभी चीज़ का रोल होता है। और इंजरी दो प्रकार की होती है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मींस कि कुछ अंश आंशिक रूप से इफेक्ट हुआ है, और कंप्लीट मींस कि संपूर्ण तरह से वो लिगामेंट टूट गया है। तो डिपेंड करता है कि मेजर लिगामेंट या माइनर लिगामेंट, उसका पार्शियल या कंप्लीट टेयर, उसके हिसाब से आगे उनकी रिकवरी होगी। अगर मान लीजिए माइनर लिगामेंट है और पार्शियल टेयर है, तो हम देख सकते हैं कि शायद 3-4 महीने में ही रिकवरी अच्छे से हो जाए। तो अगर हम ये घुटने का बनावट देखें, तो दो जो बाहर के लिगामेंट होते हैं इनको कोलैटरल बोलते हैं, लेकिन जो मेजर होता है अंदर वो होता है ये क्रूशिएट लिगामेंट। यहाँ से अगर देखें तो ये एक आगे से पीछे जाता है, ये एंटीरियर क्रूशिएट होता है, और अगर घुटने को घुमा के पीछे से देखा जाए, जो पीछे से आता है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। ये दो मेजर लिगामेंट अगर इनमें कंप्लीट टेयर हो जाता है, तो घुटने के जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इस लेवल के स्पोर्ट्स पे ये लिगामेंट के बिना खेलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि कैसी चोट है। अगर तो माइनर लिगामेंट इंजरी है और पार्शियल है, तब तो मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और प्रॉपर इलाज के साथ में 2 से 3 महीने के आसपास वो मैदान में शायद वापस आ सकते हैं दोबारा। बट अगर कोई मेजर लिगामेंट का टेयर है और अगर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो 9 महीने से साल भर तक भी लग सकता है इसमें। अच्छा, 9 महीने से साल भर अगर मेजर इंजरीज है, तो अक्सर कई बार स्पोर्ट्स प्लेयर को मैदान पे देखा जाता है कि सर्जरी करा के आते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि फिर से उनको दिक्कत प्रॉब्लम होने लगती है। घुटने की चीज़ है तो ये दोबारा दिक्कत होती है, तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ उनको बरतनी होगी खेलने के दौरान भी या और भी चीज़ें। देखिए, कोई भी लिगामेंट की चोट होने के बाद में, रिपेयर करने के बाद में, प्रॉपर रिहैब, फिजियोथेरेपी और रिहैब इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर जैसे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमेशा उनके ऊपर एक प्रेशर होता है वापस जाने का, वापस पहुंचने का, मानसिक भी और फिजिकल भी दोनों ही होते हैं। कई बार लोग उसके
वजह से जल्दी भी आ जाते हैं, तो जब तक वो पूर्ण तरह से उससे रिकवर ना कर जाए, पूरी मजबूती ना आ जाए, एटलीस्ट 90% प्लस रिकवरी ना हो जाए, तब तक स्पोर्ट्स में आने का कोशिश करना चाहिए कि वापस ना आए। उसके लिए कुछ टेस्ट है जिसको बोलते हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स टेस्ट, उनमें अगर वो सब में स्कोर पूरा प्रॉपर करें और क्लियर हो, उनका क्लियरेंस स्पोर्ट्स डॉक्टर से, सर्जन से, जैसे हम लोग हैं वो देखते हैं, प्लस उनके कोच हैं, उनके ट्रेनर्स हैं, वो सब अपना अपना असेसमेंट करते हैं। अगर उनके सबके असेसमेंट में वो उत्तीर्ण आते हैं और वो क्लियर करते हैं, तो स्पोर्ट्स में आने से चांसेस ये हैं कि दोबारा नहीं होगा। लेकिन जैसे पता है आपको कि अगर स्पोर्ट्स है तो चोट लगना एक संभाविक एक चीज़ है, तो ये सो चलता ही रहेगा, लेकिन जो खिलाड़ी है वो तो हर चीज़ से उभर के वापस आता है, हर बार रिकवर करता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है स्पोर्ट्स में कि किसी का मेजर एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पास बहुत सारे पुराने भी एग्जाम्पल्स हैं उस जिसमें देखा गया है कि वो पूरी तरह वापस आए और पूरी तरह अपना गेम खेला और वापस जैसे थे वैसे। तो वैसे उम्मीद करता हूँ मैं और कि अगर प्रॉपर उनका इलाज होगा तो वो पूरी तरह रिकवर करके आना चाहिए उनको दोबारा। जैसे आप यहाँ दिखा रहे थे कि ये बाहर के ये लिगामेंट्स हैं, बाहर के जो बाहर से, तो अगर ये बाहर थोड़ा ये इसको हम आप पार्शियली रूप से मानते हैं कि बाहर की चीज़ें हैं, तो एक्सरसाइज से भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर का जो लिगामेंट्स है ये सबसे मेजर है। हाँ, अगर ये दिक्कत करता है तो ये वाला लिगामेंट जो ये जा रहा है इसको ACL बोलते हैं। इधर से मैं दिखाता हूँ, तो ये जा रहा है अंदर, इसको ACL बोलते हैं। अगर मैं बेंड करके दिखाऊं तो आपको रस्सी दिखाई दे रही है जो ये जा रही है अंदर, ये यहाँ से यहाँ ACL है, ये लिगामेंट। और अगर पीछे से देखें तो ये दूसरा आ रहा है पीछे से अंदर, ये है PCL। तो ये बहुत ही मेजर लिगामेंट हैं और इनका जो उसकी स्टेबिलिटी में काफ़ी रोल है। लेकिन ये जो अंदर वाला है जो मैंने निकाल के यहाँ दिखाया हुआ है, ये MCL है। कई बार पार्शियल रूप में अगर MCL होता है तो इसको हम कभी कभी बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर पाते हैं। अच्छा। कोई भी सर्जरी आंशिक रूप में हो तो वो बिना सर्जरी के भी उसका इलाज हो सकता है। और ये जो अंदर का जो लिगामेंट है उसके लिए सर्जरी मैंडेटरी है। हाँ, अगर क्रूशिएट जो मेन लिगामेंट है अंदर वाले अगर वो टूट जाते हैं तो एज अ प्लेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें सर्जरी अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि उनको जिस लेवल की मजबूती चाहिए वो, अगर ये लिगामेंट पूरे टूटे हुए होते हैं और सिर्फ हम उसको बिना सर्जरी के ट्रीट करना चाहें मजबूती दवाइयाँ और फिजियो से, तो कुछ हद तक स्टेबिलिटी आती है, लेकिन उस लेवल की स्टेबिलिटी जिस पे वो गेम खेल सके और उस लेवल का गेम खेल सके वो होना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।